हाय गाइस, माय सेल्फ आरके मौर्या, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माइक्रो क्लासेस। गाइस, आज हम लोग पढ़ेंगे दैनिक जीवन में विज्ञान के बारे में, साइंस इन अवर डेली लाइफ। वन मोर थिंग गाइस, कि अगर आप इस चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसमें यूपी टेट, सी टेट और सहायक अध्यापक भर्ती के सिलेबस में जितने भी टॉपिक है सभी के सभी आपको इस चैनल पे मिलेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं साइंस इन आवर डेली लाइफ। गाइस, इसका भी मैंने हैंड राइटिंग में जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो मैंने एक जगह सब कलेक्ट किया हुआ है, लेकिन दैनिक जीवन में विज्ञान को अच्छे से समझने के लिए ये कुछ सेंटेंस मैं इसको पढ़ देता हूँ। इसको पढ़ने से आपके दिमाग में इसका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो आइए पढ़ते हैं, पढ़ता हूँ इसको मैं। वर्तमान समय में हम चाहते हुए भी विज्ञान को अपने जीवन से निकाल नहीं सकते। यदि विज्ञान के बिना दुनिया की कल्पना करें तो हमें एक गहरा शून्य ही दिखाई देता है। एक सामान्य उदाहरण के माध्यम से इस बात को साबित किया जा सकता है। कल्पना कीजिए कि अब तक एडिसन ने विद्युत बल्ब का आविष्कार न किया होता तो शायद पूरी दुनिया अंधेरे में डूबी रहती। हियरिंग एड के आविष्कार ने बहरों को सुनने में मदद की है और कृत्रिम अंगों के उपयोग से अपंग व्यक्ति भी चलने फिरने लायक बन गए हैं। यहाँ विज्ञान वरदान के समान साबित हुआ है। हमारे चारों ओर विज्ञान है। हम दुनिया के बारे में सोचते हैं, भोजन कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं या सांस ले रहे हैं। इन सभी जैविक क्रियाओं के पीछे कहीं न कहीं विज्ञान के सिद्धांत कार्य करते हैं। मानव सभ्यता के विकास में विज्ञान का उद्भव मनुष्य की सबसे बड़ी उपलब्धि है। विज्ञान ने मनुष्यों को तमाम रोग व्याधियों से मुक्ति दी है और असंख्य दैनिक सुविधाओं से लैस भी किया है। विज्ञान को मनुष्य का वफादार नौकर की संज्ञा दिया जा सकता है, जो जीवन भर हमारे आदेशों का पालन करता रहता है। वहीं दूसरी तरफ यदि विज्ञान रूपी शक्ति का हम दुरुपयोग करते हैं तो यह क्षण भर में विनाश का मंजर भी ला सकता है। परमाणु की शक्ति जहाँ एक तरफ लाखों घरों में बिजली का उजाला फैला सकती है, वहीं दूसरी ओर परमाणु बम बनाने पर जीवन में अंधेरा भी ला सकती है। विज्ञान ने हमारे जीवन के हर एक क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन लाए हैं और यह सब विज्ञान के सिद्धांतों के उपयोग से बने उन उपकरणों के कारण संभव हुआ है जिन्होंने हमारे जीवन को सरल बनाया है। आज जहां भी अपनी नज़र दौड़ाएंगे तो यही पाएंगे कि विज्ञान के सिद्धांतों के हमारे जीवन के हर क्षेत्र में व्यवहारिक उपयोग पर आज समूची दुनिया निर्भर हो चुकी है। वर्तमान समय में हम चाहते हुए भी विज्ञान को अपने जीवन से निकाल नहीं सकते। यदि विज्ञान के बिना दुनिया की कल्पना करें तो हमें एक गहरा शून्य ही दिखाई देता है। तो गाइस, ये टॉपिक है, आप स्क्रीनशॉट लेकर इसको पढ़ लीजिएगा। अब मैं स्टार्ट करता हूँ जो पीडीएफ बना हुई, जो कि क्या क्या शोध, कौन से वैज्ञानिक है, क्या क्या है, उसके बारे में मैं बहुत छोटे से मैं आपको पूरा डिटेल में बता दूंगा और थोड़ा सा पढ़ देता हूँ। सबसे पहले हम गुरुत्वाकर्षण बल की बात करते हैं तो पृथ्वी अपने भीतर मौजूद इस बल से सभी पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करती है, जिसके परिणामस्वरूप पृथ्वी पर हम मनुष्यों सहित सभी जीव और अन्य पदार्थ स्थिर बने रहते हैं। यदि यह गुरुत्वाकर्षण बल न होता, जैसा कि अंतरिक्ष में है, यह बल नगण्य होता तो पृथ्वी पर कोई भी वस्तु नहीं टिकती और हम सभी हवा में तैर रहे होते। इस बल की वैज्ञानिक व्याख्या सबसे पहले आइजक न्यूटन जी ने दी थी। जब बगीचे में एक पेड़ के नीचे बैठे हुए उन्होंने देखा कि पेड़ से सेब के टूटने पर वह जमीन पर ही गिरा, वह सोच में पड़ गए कि सेब जमीन पर ही क्यों गिरा, यह हवा में तैरने क्यों नहीं लगा। मन में उठे इन सवालों का जवाब न्यूटन ढूंढने लगे और गुरुत्वाकर्षण बल का अपना महत्वपूर्ण वैज्ञानिक निष्कर्ष दुनिया के सामने रखा। सूर्य के प्रकाश में असीम ऊर्जा छिपी होती है। ऊर्जा काम करने की शक्ति प्रदान करती है। हर पौधे सूर्य के प्रकाश, वातावरण में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड, हरी पत्तियों में स्थित क्लोरोफिल और जड़ों से मिलकर जल के संयोग से प्रकाश संश्लेषण नामक एक रासायनिक क्रिया पत्तियों के अंदर करते हैं। इन रासायनिक क्रियाओं के परिणाम स्वरूप जीवनदायिनी ऑक्सीजन गैस और कार्बन हाइड्रेट के रूप में
भोजन का निर्माण करती है। इस क्रिया में सूर्य के प्रकाश ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्थान होता है। यदि सूर्य का प्रकाश न हो तो पौधे में प्रकाश संश्लेषण नामक क्रिया नहीं होने से हमें तमाम प्रकार की हरी सब्जियां और अन्य खाद्यान्न नहीं मिल सकेगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि प्रकाश ऊर्जा हमारे जीवन को सुचारू रूप से गतिशील बनाने में बेहद मददगार होता है। माना जाता है कि प्राचीन मिस्र में भवन निर्माता लीवर की मदद से 100 टन से भी अधिक वजन को ऊपर उठा लेते थे। जब दो परस्पर जुड़े हुए सिरों के बीच में अधिक दूरी हो और एक सिरे पर अधिक वजन रख दें तथा विपरीत सिरे को थोड़ा सा बल लगाने पर ही दूसरे सिरे वाले आसानी से उठ जाता है। इस प्रकार के उपकरण को लीवर कहते हैं। लकड़ी, कोयले या तेल के दहन से रासायनिक ऊर्जा उत्पन्न होती है और इस ऊर्जा के उपयोग पर हमारे अनेक उद्योग निर्भर हैं। विद्युत ऊर्जा को उसमें ऊर्जा में परिवर्तित करके इसका उपयोग हम सर्दियों में हीटर, ब्लोअर, गीजर या एयर कंडीशनिंग मशीन में करते हैं। जब ऊर्जा अनुप्रस्थ तरंगों के रूप में किसी स्रोत से निकलकर लक्ष्य पदार्थ तक पहुंचकर उसमें कंपन उत्पन्न करती है तो उसे ध्वनि ऊर्जा कहते हैं। विज्ञान के इस ध्वनि ऊर्जा के कारण हम टीवी, रेडियो आदि अनेक इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से निकल रही ऊर्जा को ध्वनि के रूप में अपने कानों द्वारा सुन पाने में समर्थ होते हैं। और जितने भी ये मैंने बताया जो जो चीज़ें यूज हो रही है दैनिक जीवन में, तो ऐसे ही किसी भी चीज़ की खोज नहीं हो जाती है। वैज्ञानिक विधि के कुछ चरण होते हैं, आइए उन चरणों के बारे में हम देखते हैं। जो वैज्ञानिक विधि का जो चरण है, जो वो पहला चरण जिज्ञासा है, दूसरा चरण परिकल्पना बनाना है, तीसरा परीक्षण, फोर्थ निरीक्षण, फिफ्थ अभिलेखन, सिक्स पुनर्विचार, सेवेंथ निष्कर्ष निकालना, एट्थ नए प्रयोग करना। जैसे मैंने आपको बताया कि कैसे जैसे ही सेब जमीन पे गिरा तो न्यूटन ने उसको देख के ये सोचा कि ये नीचे ही क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया या फिर हवा में क्यों नहीं तैरा, ये क्या है। तो एक जिज्ञासा, जो फर्स्ट स्टेप है जिज्ञासा का, तो उसके अंदर ये जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि वो सेब नीचे ही क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया या फिर हवा में क्यों नहीं तैरा। ये परिकल्पना बनाना, उसके बाद उसने परिकल्पना, ये परिकल्पना ही है कि उसके बारे में वो अलग अलग दिमाग में सोचे होंगे, कि वो खुद से भी सोचे होंगे कि वो नीचे ही क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया, ऐसे बहुत सारी चीज़ें। फिर परीक्षण, निरीक्षण, अभिलेखन, पुनर्विचार, निष्कर्ष निकालना, नए प्रयोग करना, तो ये सब वैज्ञानिक विधि के चरण हैं। आइए कुछ वैज्ञानिकों के नाम जानते हैं और उन्होंने विज्ञान के क्षेत्र में क्या योगदान दिया है वो हम देख लेते हैं। जगदीश चंद्र बसु ने ये हमें बताया था कि पौधों के अंदर संवेदनशीलता है। जैसे एक छुई मुई पौधा है, अगर हम उसको टच करते हैं तो वो शर्मा के सिकुड़ जाती है। ये क्या है, ये पौधे के अंदर संवेदना है, तभी तो ये चीज़ सर्वप्रथम किसी ने बताया था, तो वो थे जगदीश चंद्र बसु जी। सीवी रमन जी ने क्या खोज किया था, इन्होंने प्रकाश का प्रकीर्णन के बारे में बताया था। जब हम सफ़ेद रंग के प्रकाश को जब हम प्रिज्म से होके गुजारते हैं तो वो प्रकाश 7 रंगों में टूट जाता है, बैंगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी, लाल। और तो ये चीज़ सर्वप्रथम सीवी रमन सर ने ही बताया था और इनके इस खोज को रमन प्रभाव के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट हैं रामानुजम जी, इन्होंने संख्या सिद्धांत दिया था। रामानुजन जी ने संख्या सिद्धांत दिया था। और एसएन बोस, नेक्स्ट वैज्ञानिक है एसएन बोस, इन्होंने जो है क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में इन्होंने ही बताया था, प्लस गॉड पार्टिकल्स के बारे में ही इन्होंने सर्वप्रथम बताया था। और नेक्स्ट साइंटिस्ट हैं मेघनाथ साहा, इन्होंने तापी आयनीकरण के बारे में बताया था और इन्हों को साहा समीकरण भी कहते हैं, मतलब इनकी जो खोज है उस खोज को साहा समीकरण के नाम से जानते हैं। टी आर शेषाद्री जी के बारे में जानते हैं, नेक्स्ट अपने साइंटिस्ट हैं, इन्होंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में इन्होंने काफ़ी अपने योगदान दिए हैं रिलेटेड टू औषधि विज्ञान। आइए आप तो नाम सुना ही होगा आपने, नेक्स्ट वैज्ञानिक अपने होमी जहांगीर भाभा, इन्होंने परमाणु के बारे में अपने शोध किए थे, इन्होंने
परमाणु बम बनाने में इनका बहुत बड़ा योगदान है। प्लस इन्होंने कॉस्मिक विकिरण के बारे में भी बताया था। बात करें नेक्स्ट अपने वैज्ञानिक विक्रम साराभाई के बारे में, तो इन्होंने अंतरिक्ष अनुसंधान में अपना बहुत ही बड़ा योगदान दिया है। APKJ अब्दुल कलाम जो अपने पूर्व राष्ट्रपति थे, इन्होंने जब प्रक्षेपण शास्त्र मिसाइल प्रक्षेपण इन्होंने अपना बहुत बड़ा योगदान दिया है, अतः इनको मिसाइल मैन के भी नाम से जाना जाता है। डॉक्टर कस्तूरी रंगन, ये प्रक्षेपण शास्त्र में जो है इनका बहुत बड़ा योगदान है और ये इसरो के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। नेक्स्ट है हरि गोविंद खुराना जी, इन्होंने आनुवंशिकी कोड की स्थापना की थी। इन्होंने जो होता है कि आनुवंशिकी जो कोड होते हैं कि लड़का लड़की वो जो मैथ है वो हरि गोविंद खुराना जी ने ही बताया था। नेक्स्ट अपने साइंटिस्ट है वो सुब्रहण्यम चंद्रशेखर जी हैं जो खगोल विज्ञान के बहुत बड़े जानकार थे। कल्पना चावला का नाम तो आपने सुना ही होगा, ये एक अंतरिक्ष वैज्ञानिक थी। जब ये गई थी अंतरिक्ष में तो आते वक्त इनकी मृत्यु हो गई थी। आइए कुछ विदेशी वैज्ञानिकों के बारे में जान लेते हैं और उन्होंने विज्ञान के किस क्षेत्र में योगदान दिया है वो भी देख लेते हैं। एडवर्ड जेनर जी, ये जो है रोगों से सुरक्षा हेतु वैक्सीन का खोज इन्होंने ही किया था, एडवर्ड जेनर जी ने। जैसे अपने को कोई रोग होता है तो हम दवा खा लेते हैं ठीक हो जाते हैं, तो इन्होंने ऐसी खोज की थी कि जो रोगों से रक्षा कर सके। नेक्स्ट अपने साइंटिस्ट है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ये इन्होंने पेनिसिलिन की खोज की थी। मैडम क्यूरी, इन्होंने रेडियम व पोलोनियम की खोज किया था। गैलीलियो गैलीली, इन्होंने दूरबीन, जो दूरबीन हम देखते हैं ना बहुत यहाँ से बैठे बैठे बहुत दूर की चीज़ें देख लेती हैं, तो ये गैलीलियो ने ही गैलीली जी इसके आविष्कार थे। थॉमस एडिसन की बात करें तो इन्होंने ग्रामोफोन एवं विद्युत बल्ब का इन्होंने ही खोज किया था। ऑटो हान की बात करें तो इन्होंने परमाणु बम का खोज किया था, आविष्कार किया था इन्होंने। और एलेसांड्रो वोल्टा जी जो है विद्युत सेल का इन्होंने खोज किया था, आविष्कार किया था, इसीलिए इन्हीं के नाम पे जो है वोल्ट जो हम पढ़ते हैं इन्हीं के नाम पे रखा गया है। और माइकल फैराडे जी ने डायनमो का खोज किया था। और अल्बर्ट आइंस्टीन जी फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव जो है इन्होंने ही बताया था। और एनेमोमीटर जो है ये एक मशीन है जो कि वायु की गति को मापता है। कुछ और वन लाइनर क्वेश्चन है वो हम देख लेते हैं जल्दी जल्दी। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 में हुआ था और इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। बेंगलुरु आपका कर्नाटक की राजधानी है। सूचना व संचार प्रौद्योगिकी ICT का आरंभ हुआ कब हुआ था, दिसंबर 2004 में। वाहनों के हेडलाइट में परवलीय अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, ये तो आपको पता है। और एक प्रकाश वर्ष में जो है 9.46 × 10^15 मीटर होता है। प्रेरकत्व का मात्रक हेनरी है और 1 पार्सेक जो है 3 × 10^16 मीटर के बराबर होती है। पार्सेक क्या है, एक दूरी का इकाई है। एक पार्सेक में जो 3.262 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है, यानी कि पार्सेक जो है दूरी की सबसे बड़ा मात्रक पार्सेक ही है। एक नैनोमीटर में 10^-9 मीटर होते हैं और एक एम्पियर में 6.25 × 10^18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। दाब का मात्रक पास्कल है। एक माइक्रोन में 10^-6 मीटर के बराबर होता है। एक माइक्रोन 10^-6 मीटर के बराबर होता है। नॉटिकल मील्स, समुद्री मील क्या होता है, नौ संचालन में दूरी की इकाई है। नॉटिकल मील माइल या मील। ऊष्मा का मात्रक क्या है, कैलोरी है। और एक बैरल में 158.9873 लीटर होता है, इसको 42 US गैलन बोलते हैं। यानी कि आप समझिए कि वन बैरल में 159 लीटर होते हैं। क्यूसेक जल बहाव का मात्रक है, क्यूसेक जो है जल बहाव का मात्रक है। बोला जाता है ना कि उस बांध से जो है इतने क्यूसेक पानी छोड़ा गया।
तो क्यूसेक जल बहाव का मात्रक है और ओजन परत की मोटाई डॉप्सन में नापी जाती है और पायरोमीटर जो एक इंस्ट्रूमेंट है इसकी सहायता से उच्च ताप जो है मापा जाता है। अब ब्लड प्रेशर जो है आपका स्फिग्नोमेनोमीटर मशीन की सहायता से मापा जाता है। आप कभी डॉक्टर के पास जाते हैं तो जाते होंगे तो वो जो है आपके हाथ में एक कपड़े जैसा खूब जोर से बांध के उसको हवा से मारता है जिससे जो अपना हार्ट बीट कर रहा है अच्छे से उसमें कैप्चर हो सके, तो वो मशीन स्फिग्नोमेनोमीटर ही होता है। हार्ट बीट मापने हेतु स्टेथोस्कोप बोलते हैं इसको। हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो सबसे पहले वो गर्दन में जो पहना रहता है उसको कान में लगा के आपके दिल के पास में रखता है, तो उसी मशीन को स्टेथोस्कोप कहते हैं। हाइड्रोमीटर क्या होता है कि जल के घनत्व को मापने के लिए हाइड्रोमीटर का यूज़ किया जाता है, और हाइग्रोमीटर का यूज जो है वायुमंडल में कि सापेक्ष आर्द्रता को मापने के लिए किया जाता है। आइए अब राडार के बारे में देखते हैं कि राडार क्या होता है। राडार का फुल फॉर्म रेडियो डिटेक्शन एंड रेंगिंग होता है। तो राडार रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति पता करने में इसका प्रयोग किया जाता है। राडार जो है रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति पता करने में किया जाता है। अगर भारतीय जो है वायु क्षेत्र में अगर कोई किसी और का अगर जहाज आ जाता है तो राडार के थ्रू जो है उसका तुरंत पता चल जाता है। और नेक्स्ट वन लाइनर क्वेश्चन है, भूकंप तीव्रता के मापन के जो होता है वो सिस्मोग्राफ जो एक इंस्ट्रूमेंट है उसकी सहायता से कितना चीज भूकंप आया है उसको मापा जा सकता है। क्रेस्कोग्राफ जो है पौधों में वृद्धि मापन हेतु, यानी कि पौधों में कितनी वृद्धि हुई है इसका माप करने के लिए क्रेस्कोग्राफ इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है। भूकंप की तीव्रता मापने वाला जो पैमाना है वो रिएक्टर पैमाना है। झूठ का पता लगाने वाले जो यंत्र का नाम है पॉलीग्राफ, लाइट डिटेक्टर इसको इंग्लिश में बोलते हैं। सोनार का प्रयोग सागर में डूबी हुई वस्तु का पता लगाने हेतु किया जाता है। सोनार एक इंस्ट्रूमेंट है जिसका फुल फॉर्म है साउंड नेविगेशन एंड रैंगिंग। तो गाइज ये था मेरा आज का छोटा सा वीडियो, आपको कैसा लगा प्लीज़ आप कमेंट करके बताइएगा। प्लस चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो थैंक यू गाइज, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।